राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार शिक्षकों को अपनी शाला के छात्रों के लिए कक्षावार व्हाट्सएप समूहों का निर्माण करना है, जिसमें डिजिलैब के माध्यम से अध्ययन सामग्री आएगी, जिससे छात्र अपना अध्ययन कर पाएंगे। अब व्हाट्सएप समूहों का निर्माण कर लेने के उपरांत शिक्षकों को इसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र भी प्रेषित करना होगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा संभागवार लिंक प्रेषित की गई है, जिस पर क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप समूहों के निर्माण की जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप समूहों का निर्माण कर लेने के उपरांत शिक्षकों को एक कार्य और करना है, इन्हें छात्रों पर मेंटर की नियुक्ति करना है। मेंटर में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना है जो छात्रों को अध्ययन हेतु प्रेरित कर सके। इस प्रकार समस्त मेंटरों की नियुक्ति कर देने के उपरांत इन सभी मेंटरों की सूची आपको अपने जनशिक्षा केंद्र में प्रेषित कर देना है, जहां जनशिक्षा केंद्र के द्वारा समस्त शालाओं के मेंटरों की सूची संकलित की जाएगी। अब जनशिक्षक के माध्यम से इन मेंटरों की जो सूची है, इसे राज्य शिक्षा केंद्र प्रेषित किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जनशिक्षक महोदय मेंटर की सूची राज्य शिक्षा केंद्र कैसे प्रेषित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मेंटर की सूची प्रेषित करने के लिए जारी की गई है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि शिक्षकों की जो संभागवार लिंक है वो अलग है, जिसमें व्हाट्सएप समूहों के निर्माण की जानकारी प्रेषित होगी। वहीं जनशिक्षक महोदय की जो मेंटर्स की जानकारी प्रेषित करना है, इसकी लिंक अलग है। तो आप मेंटर्स की जो जानकारी प्रेषित करना है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र में इसे ओपन होने की अनुमति मांगी जाएगी। तो आपको यहाँ से किसी भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना है। ब्राउज़र के सिलेक्ट करते ही एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी जानकारी फिल करना है। लेकिन इससे पहले इसमें कुछ निर्देश ऊपर दिए गए हैं, इन्हें आपको बहुत ही सावधानी से अध्ययन कर लेना है। जिसमें पहला निर्देश है कि यदि एक क्लस्टर में दो CAC हैं तो केवल एक ही फॉर्म भरेंगे। दूसरा जो इसमें निर्देश दिया गया है कि आपको इस फॉर्म में अपने क्लस्टर में सभी मेंटर की एक सूची अपलोड करने की आवश्यकता है, कृपया फॉर्म भरने से पहले इसे संभाल कर रखें। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि दो जनशिक्षक हैं तो केवल एक ही जनशिक्षक इसमें अपनी जानकारी उपलब्ध कराए, और दूसरा कि समस्त मेंटरों की सूची आपको इसमें अपलोड करना है। आपके जनशिक्षा केंद्र में जितनी शालाएं हैं, उन शालाओं में छात्रों के लिए नियुक्त मेंटरों की एकजाई सूची आपको इसमें प्रेषित करना होगा। अब गूगल फॉर्म में हम देखेंगे कि नीचे हमें समान जानकारी फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले हमें अपना नाम, अपनी यूनिक आईडी, फिर यहाँ से हमें जिला चुनना है, विकासखंड चुनना है, और स्कूल आईडी हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसके उपरांत हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर जो क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, इसमें है कि क्या आपने छात्रों की कक्षा उन्नति को दर्शाने के लिए अपने संकुल स्तर के कक्षावार समूहों में पिछली कक्षा से शिक्षकों को हटा दिया है और सभी समूहों में राज्य द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अगली कक्षा के शिक्षकों को जोड़ा है? यदि हाँ तो हाँ पर टिक करना है और नहीं तो नहीं पर टिक कर देना है। क्योंकि हमने कर चुका है इसलिए हाँ पर हम टिक कर देते हैं। इसके उपरांत कक्षा 1 से 8 के सभी समूहों की इनवाइट लिंक पेस्ट करें। तो आपको समस्त जो आपने ग्रुप बनाए हैं कक्षा 1 से 8 तक की, उनकी सभी लिंकों को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है अलग अलग, और सभी समूहों की लिंक पेस्ट कर देने के उपरांत नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके संकुल में कक्षा 1 से 8 के कितने विद्यार्थी है? तो यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या फिल करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कितने छात्रों के लिए मेंटर्स की पहचान की गई है? तो यहाँ पर ऐसे छात्रों की संख्या हमें फिल करना है जिनके लिए मेंटर्स नियुक्त किए गए हैं। इसके पश्चात इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मेंटर की सूची अपलोड करने का, तो इसके लिए ऐड फाइल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से मेंटर की सूची आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन होने की अनुमति मांगी जाएगी, तो आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। अब यहाँ से जहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करके रखा हुआ है, उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे हमने मेंटर्स वाला एक फोल्डर बना लिया है, इसमें अपनी सूची हमने रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे ओके कर देना है। इसके उपरांत अपलोड, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अपलोड करने के पश्चात नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सबमिट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मेंटर की सूची राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित हो जाएगी।
तो ये थी मेंटर्स की सूची राज्य शिक्षा केंद्र प्रेषित करने संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।